कुलभूषण यादव केस के हवाले से मारूफ बरतानवी कानूनदान बैरिस्टर राशिद असलम कहते हैं कि भारत आलमी अदालत इंसाफ में मुतजाद मौकफ पेश कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है। आलमी अदालत इंसाफ कुलभूषण तक काउंसलर रसाई का हुक्म दे सकती है। कुलभूषण की रिहाई नामुमकिन दिखाई देती है। पाकिस्तान अदालती फैसले को तस्लीम करने का पाबंद नहीं होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखें। इंडिया के चार मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि कुलभूषण यादव को अंडर आर्टिकल 36 काउंसलर एक्सेस दी जाए और अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ काउंसलर रिलेशंस। दूसरा उसमें ये है कि जी कुलभूषण यादव का जो जजमेंट हुई है पाकिस्तानी कोर्ट से उसको नल करार दिया जाए, मतलब उसको खत्म कर दिया जाए। तीसरा उसमें वो ये कहते हैं कि जी उसको फौरी तौर पर रहा किया जाए। ये इस किस्म के मुतालबात हैं। और चौथा उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट है उसको रिव्यू या रिकन्सिडर किया जाए। अब उसमें वो दोनों मुतजाद चीजें मांग रहे हैं, रिव्यू और रिकन्सिडर भी कह रहे हैं और नल भी कह रहे हैं उसको जजमेंट को। अब उसमें पाकिस्तान का, मैं ये समझता हूं केस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो केस प्रोसीड किया उसके मुताबिक ऑब्वियसली उन पे एस्पिनॉज के चार्जेस हैं, और जहां पे एस्पिनॉज के चार्जेस होते हैं वहां पे काउंसलर एक्सेस मुअत्तल हो जाती है अंडर आर्टिकल 55 ऑफ बीसीसीआर। अब उस हवाले से आईसीजे जो है उसके पास भी ये एक अनोखा केस है, क्योंकि माजी में ये देखने में आया कि आम शहरियों के केस होते थे, एस्पिनॉज के हवाले से केस नहीं थे। तो इस पूरी सूरत हाल में आईसीजे, मैं ये समझता हूं, कल ज्यादा से ज्यादा काउंसलर एक्सेस दे सकता है या पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर सकता है कि रिव्यू और रिकन्सिडर करें। बाकी जो इंडिया के मुतालबात हैं कि उस जजमेंट को खत्म कर दिया जाए या उसको फिल्फ और रहा किया जाए, मैं नहीं समझता कि उनकी ये ज्यूरिस्डिक्शन है। और दूसरी बात, ज्यूरिस्डिक्शन के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आईसीजे का फैसला मानने के हम पाबंद नहीं है, वो मैंडेटरी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, उनकी एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है। उस हवाले से अगर वो हम पे कोई चीज नाफिज करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हम मानें।